गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सब यार, मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं सुबह सुबह उठ गया, ठीक है, और मैं छत पे आया टहलने के लिए। इतनी ताज़ी हवा चल रही है, इतना ठंडा महसूस हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और जो व्यू है ना सनराइज़ का, मैंने सोचा कि यार मुझे व्यू जो है, ये जो व्यू है मुझे अपने व्लॉग में डालना ही होगा, तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ सनराइज़। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार, सामने सूरज, बादल, आसमान पूरा रेड रेड, और बर्ड्स उड़ रहे हैं। पता नहीं आपको बर्ड्स दिख रहे होंगे कि नहीं, ये देखो ये बर्ड्स उड़ रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। तो अब पता चला कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि बेटा सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह पढ़ाई करो, सुबह सुबह मतलब जॉगिंग करो, योगा करो, जो करना है करो, बट सुबह का जो जो कहते हैं ना ऊपर वाले ने सुबह के टाइम में बरकत डाली है, ठीक है। लेकिन हम अनलकी लोग, जो आपको तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं खुद का जान रहा हूँ कि मैं तो अनलकी हूँ जो सुबह सुबह नहीं उठ पाता हूँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं सुबह उठूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, अब ट्राई करूँगा सुबह उठने का, लेकिन क्या बताऊँ यार, पढ़ाई रहती है, फिर व्लॉगिंग का काम रहता है, और भी कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं हैंडल करना, तो थोड़ा लेट हो जाता है यार, बट कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, ट्राई करेंगे, ट्राई करने में क्या जाता है यार। भाइयों, ये है हमारा मंडे का नाश्ता जो राजू भाई ने बनाया था, उपमा और ये चटनी। तो भाइयों, आज मुझे एक छोटा सा काम है, ठीक है, जो मैं वीडियो एडिट करता हूँ उसमें जो ऑडियो डालता हूँ ना, वो मैं VN के थ्रू डालता हूँ, और VN में जो ऑडियोज होते हैं उसमें क्या पॉलिसीज है कि आपको वो जो मैं ऑडियो यूज़ करूँगा उसे मैं अपने वीडियो के YouTube के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मुझे डालना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो एक दो यूट्यूबर्स की मैंने वीडियोस देखी, तो उन्होंने मुझे बताया कि YouTube स्टूडियो पे जाकर के ऑडियो लाइब्रेरी में आप अपना म्यूजिक देख सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं अब सर्च करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मुझे एक छोटा सा काम है वो मैं क्लियर कर लेता हूँ। और ये देखिए मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये स्टिकरिंग जो है ना, ये मैंने खुद से कर रखी है। ये है बॉश की ऑफिस, ये अभी मेरे आने के एक दो महीना के बाद यहाँ पे ओपन हुआ था, जब मैं बैंगलोर में आया था, ये रिसेंट बिल्कुल न्यू ऑफिस है ये। मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ उस एरिया में सबसे लेटेस्ट ऑफिस जो कह सकते हैं वो यही है। ये देखो, ये जो रोड भी बना हुआ ना, ये भी बॉश के ही है। मैं इनोवेशन में आया था, क्या प्यारा ऑफिस है यार। कोई बात नहीं गाइस, अपना भी ऐसे ही ऑफिस होगा, अपन इस ऑफिस में काम नहीं करेंगे, अपन इस ऐसा ऑफिस ही खोलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ऐसा कुछ सीन है, ये देखो मेरे घर के जस्ट पीछे, मैंने आपको घर से दिखाया था, ठीक है। तो मैं खाना खाने के बाद निकला था टहलने के लिए, ठीक है। मैं आसपास में दो ही तीन जगह जाता हूँ वॉक के लिए, ठीक ना। तो एक ये वाला जगह हो गया, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया बॉश का, और एक जगह है आपको एजी पहले जाने वाले रास्ते में जो नंदिनी का डेली सर्कल का जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कॉलोनी का क्या सीन है। ये देखो एक छोटा सा पता नहीं किस चीज़ का है, ठीक है, कि सामने
सर्कल है, यही सी स्ट्रीट आपको जाता है वो शायद आपको दिख रहा होगा बॉश का, ठीक है। और ये देखिए, ये हम आ गए अपने कॉलोनी में। ये रिसेंटली कुछ टाइम पहले उडुपी ओपन हुआ है, न्यू उडुपी, ठीक है, अडुगडी, ठीक है। ये देखिए, मतलब भले बाहर से डिज़ाइन कैसा भी रहे घर का, बट अंदर से यार लिफ्ट विफ्ट एकदम चकाचक रहता है, ठीक है भाई। एक नंबर सिक्सी प्लेस है बैंगलोर, एक नंबर, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्दी सारे लोगों से मिलवाऊंगा भी, ठीक है, और आपको रिव्यू भी दिलवाऊंगा, ठीक है, जिस जिस जगह पे जाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं अभी, मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने लाइक लोगों से ज़्यादा बात नहीं किया, ठीक है। मैं अभी ना थोड़ा सा गुड लुक जो कह सकते हैं, आउटलुक मेरा सही नहीं है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू। देखा आपने मेरे छत से सुबह सुबह बैंगलोर का व्यू कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। और आपने बॉश की बिल्डिंग भी देखी, ठीक है। मैं जब भी वहाँ पे जाता हूँ ना, मुझे देख करके लगता है यार काश अपना भी ऐसा होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार। आपके प्यार से, आपकी दुआओं से, आपके सपोर्ट से इंशाल्लाह हम भी अपना एम्पायर खड़ा करेंगे, ठीक है। और मैं ये भी दुआ करूँगा कि आप भी अपने लाइफ में ग्रो करो, खूब ग्रो करो, आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो हों, और आप लोग लाइफ में और हम सबकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सबकी प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाए। मैं किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ जो